राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता खत्म होने के मामले में अमेरिका के बाद अब जर्मनी ने भी टांग अड़ाई है। जर्मनी की ओर से बयान ये दिया गया है जिसमें ये कहा गया है कि राहुल गांधी पर कार्रवाई करते वक्त न्यायिक स्वतंत्रता के मानक और मौलिक अधिकारों का ध्यान रखा जाएगा। ऐसी उम्मीद जर्मनी को है। ये बातें जर्मन विदेश मंत्रालय के एक प्रवक्ता ने रेगुलर मीडिया ब्रीफिंग के दौरान कही और उन्होंने आगे क्या कहा वो हम आपको बताते हैं। हमारी जानकारी के मुताबिक राहुल गांधी इस फैसले के खिलाफ अभी अपील कर सकते हैं। इस अपील के बाद ये साफ हो जाएगा कि क्या ये फैसला कायम रहेगा और ये भी स्पष्ट हो जाएगा कि राहुल गांधी की संसदीय सदस्यता बर्खास्त करने का कोई आधार है या नहीं। जर्मनी के इस बयान पर जहां कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने जर्मनी को धन्यवाद दिया है तो वहीं भारत ने साफ कर दिया है कि भारत के आंतरिक मामलों में विदेशी दखल बर्दाश्त किसी भी सूरत में नहीं किया जाएगा। जर्मनी की ओर से राहुल गांधी की सदस्यता खत्म होने के मामले में बयान आने पर कांग्रेस की सीनियर लीडर दिग्विजय सिंह ने ट्वीट किया है और उन्होंने ट्वीट किया है लिखा है कि धन्यवाद जर्मनी विदेश मंत्रालय और रिचर्ड वॉकर इस बात पर ध्यान देने के लिए कि राहुल गांधी के उत्पीड़न के जरिए भारत में किस तरह लोकतंत्र का समझौता किया जा रहा है। ये ट्वीट दिग्विजय सिंह की तरफ से किया गया। वहीं केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने दिग्विजय सिंह के ट्वीट पर पलटवार किया है और किरण रिजिजू क्या कहते हैं वो भी हम आपको ट्वीट की बातें बताते हैं। भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप के लिए विदेशी शक्तियों को आमंत्रित करने के लिए राहुल गांधी को धन्यवाद। याद रखें भारतीय न्यायपालिका विदेशी दखल से प्रभावित नहीं हो सकती। भारत अब विदेशी प्रभाव को बर्दाश्त नहीं करेगा क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। तो दिग्विजय के ट्वीट पर राजनीतिक घमासान मच गया है। इस मामले में बीजेपी नेता अमित मालवीय ने ट्वीट किया और उन्होंने ट्वीट में क्या लिखा है ये इस वक्त हम आपको बताएंगे। इसे रिकॉर्ड में रहने दीजिए। स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहली दफा कांग्रेस पार्टी के नेता विदेशी शक्तियों से भारत के लोकतांत्रिक प्रक्रिया में दखल देने और हमारे न्यायिक फैसलों को परखने की गुहार लगा रहे हैं। ये लोगों की इच्छा और भारत की संप्रभुता को कमजोर करने का एक निरंतर प्रयास है। ये ट्वीट किया गया है अमित मालवीय की तरफ से। अंधर के कांग्रेस सांसद संतोष सिंह चौधरी का निधन हो गया था जिसके बाद इस सीट पर उपचुनाव करवाया जा रहा है। इस सीट से वो कांग्रेस के टिकट पर 2014 और 2019 में चुनाव जीते थे। उधर पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि पुतिन प्रशांत महासागर में अमेरिकी तट के पास परमाणु पनडुब्बियों का बेड़ा तैनात करने की तैयारी में है। दावा यह भी किया जा रहा है कि रूस उन परमाणु पनडुब्बियों को हमेशा के लिए वहां पर तैनात कर सकता है ताकि अमेरिका से जंग छिड़ने पर रूस अपनी परमाणु पनडुब्बियों से उसके शहरों में तबाही मचा सके।